आदिवासी विकास परिषद नागपुर मंडल की परियोजना अधिकार से मांग है कि ख्वाटी अनुदान योजना लाभार्थी चयन सूची में गैर आदिवासी लाभार्थी नामों की सूची को छोड़कर वास्तविक आदिवासी लाभ दिया जाए। राज्य सरकार ने कोरोना के संकट में फंसे आदिवासियों को राहत देने के लिए खावटी अनुदान योजना की घोषणा की है। हालांकि संगठन को शिकायत मिली है कि परियोजना अधिकारी ने कार्यालय के माध्यम से लाभार्थियों की सूची तैयार करते समय अन्य गैर आदिवासी लोगों को शामिल किया है। इस वजह से सच्चा आदिवासी समाज योजना से वंचित रहकर उन पर अन्याय होगा। ऐसे प्रकार प्रकल्प अधिकारी कार्यालय की तरफ से होते होंगे तो यह बहुत गंभीर बात है। जानकारी के लिए परियोजना कार्यालय के अधिकारी से पूछताछ की जानी चाहिए और कर्मचारी की गलती के कारण गैर आदिवासी लोगों के खाते में अनुदान राशि जमा की जाती है तो यह राशि जिम्मेदार कर्मचारी के वेतन से वसूल की जानी चाहिए और वास्तविक आदिवासी लाभार्थी को दी जानी चाहिए। ऐसी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नागपुर विभाग की प्रकल्प अधिकारी इनको मांग है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नागपुर मंडल की ओर से परियोजना अधिकारी इस पर परिषद के जिलाध्यक्ष राहुल मेश्राम, दिनेश शेरम, स्वप्निल मसराम, सुरेंद्र नेतम, विजय पार्टेकी और राहुल मड़ावी मौजूद थे। आदिवासींना खावटी देण्यात आले जसे जे मूळ आदिवासी लोक आहेत त्यांना या पासून वंचित ठेवण्यात आलेला आहे। तसेच यामध्ये जी खावटी वाटप होत आहे ती खूप चुकीच्या पद्धतीने होत आहे। महत्त्वाचं म्हणजे आज ग्रामीण भागातील लोकांना 40-40 किलोमीटर जाऊन त्यांना त्यांचे कामधंदे सोडून त्यांचा रोजमजुरी सोडून त्यांना 40 किलोमीटर खावटी आणायला जावं लागत आहे। तरी आमच्या अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या वतीने अशी मागणी आहे की त्यांनी प्रत्येक गावामध्ये खावटीचं वाटप करावं आणि जो काही आदिवासी जनतेला जो त्रास होत आहे तो त्या त्रासापासून मुक्त करावं। जय शिवा। BCN न्यूज के लिए भिवापुर से राम वाघमारे की रिपोर्ट।